भीलवाड़ा के आसिन तहसील के जगपुरा पंचायत के गोपालपुरा गांव में आजादी के 70 साल बाद भी यहां जिंदगी जीने के लिए बुनियादी सुविधाएं सहूलियतें अब तक नहीं पहुंच पाई। रिपोर्ट देखिए। डिजिटल इंडिया की तो बहुत तस्वीरें आपने देखी होंगी, देखा होगा आपने मुस्कुराता हुआ भारत, लेकिन भीलवाड़ा गोपालपुरा गांव चलिए, जहां अंधेरों का बसेरा है, जहां तरक्की का सूखा दरिया बहता है, जहां जिंदगी जीने के लिए भी सहूलियतें नहीं है, बस इतना समझ लीजिए गोपालपुरा में जिंदगी जीना चुनौती है। चुनौती सोच क्या रहे हैं आप? तस्वीरें देखिए और सोचिए, डिजिटल इंडिया की रोशनी इस गांव पर नहीं पड़ी, तरक्की के सागर की एक बूंद भी यहां से होकर नहीं गुजरी। पढ़ने वाले पढ़ते रहे तरक्की की तामीर की तहरीर, लेकिन गोपालपुर अपनी किस्मत पर छाती पीट रहा है। 10 बार 20 बार सरपंच को बोलते कि हमारा काम करो, ऐसा करो, बोलते कि आते तुम्हारा काम होता, लेकिन उस टेंशन ही टेंशन, रास्ता नहीं है, कोई सुनाई नहीं करता। आसिंध तहसील के जगपुरा पंचायत के गोपालपुरा गांव में भील समाज के 50 घरों की बस्ती है। इस बस्ती में करीब 300 लोग रहते हैं। 70 साल गुजर जाने के बाद भी इस गांव में बिजली, पानी, चिकित्सा, सड़क, परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं भी मैसर नहीं है। दलित समाज ने अपनी परेशानियों की कहानियां कई बार प्रशासन को सुनाई, लेकिन प्रशासन के अधिकारी ऐसी कमरों से बाहर निकलकर इन गरीबों की टूटी झोपड़ी देखना नहीं चाहते। कहते हैं गोपालपुरा की किस्मत चुनाव के वक्त बदलने का जोर पकड़ती है, गाड़ियों का काफिला आता है, नेताजी बड़े बड़े वादों का वितरण करते हैं, अधिकारी दरबारी सब आते हैं, लेकिन अफसोस चुनाव खत्म होते ही नेता फिर पलटकर गांव की तरफ नहीं देखते हैं। पानी की समस्या है, उदिता के लिए लैंड की समस्या है, गाँव की तरह दावा कटी सफा करने तो वहाँ के लाइट रोड नहीं है, ठीक है, वहाँ का कई वार्ता कौन है चयनित में, मका नंबर है सबका चयनित में होने के बावजूद भी आपको सुविधा नहीं मिल रही है, कोई सुविधा। बरसात के टाइम में आपको समस्या होती होगी, जीव जंतु होगी, अगर कोई बीमार होता तो फिर आप कैसे लेके जाते उनको हॉस्पिटल? मक्का ले जाऊँ, साइकिल बनाया का ले जाऊँ, इसके अलावा कोई सुविधा नहीं है आपके। गाँव के लोग रोजगार के अभाव में महाराष्ट्र, गुजरात पलायन कर रहे हैं, जहाँ महिलाएं बच्चों के साथ मजदूरी करती हैं। बारिश के दौरान लोग गांव में वापस आ जाते हैं, जो बरसात की फसल की कटाई कर परिवार समेत गांव में मजदूरी कर पेट पालते हैं। गोपालपुरा में विकास पर नजर डालें तो पूरे गांव की प्यास बुझाने के लिए महज एक हैंडपंप है, जो अब बूढ़ा हो चुका है, जिसमें अब जमीन से पानी खींचने की ताकत नहीं बची। भारत को डिजिटल कहने वाले देखे इस गाँव की तस्वीर, बिजली न होने की वजह से लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गांव जाते हैं, आवागमन की सुविधा नहीं होने से गोपालपुरा गांव के ग्रामीण 4 किलोमीटर पैदल या साइकिल का सहारा लेकर घर जाते हैं। 50 घरों की बस्ती में एक भी मोटरसाइकिल या कार नहीं है, बीमार होने पर दूसरे गांव से वाहन मंगवाकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। कभी कभार बस या बड़े वाहन अगर गाँव से निकलते हैं तो गाँव के बच्चे वाहनों को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। गोपालपुरा भील समाज के 60 से 70 बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे गाँव जाते हैं। काफी बार लिखित में कहने के बावजूद भी वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई, पेयजल की समस्या है, और ये समझ लीजिए कि आजादी के बाद उस गांव को अभी तक शायद सरकारी रिकॉर्डों में माना ही नहीं गया। असली भारत की यही तस्वीर है, जहाँ न पीने को पानी है, न चलने को सड़क, न पढ़ने को स्कूल है। गोपालपुरा की हवाएं कहती हैं तरक्की के नाम पर छपे इश्तिहार झूठे हैं, सारे वादे फरे हुए हैं, जो सरकारें पीने का पानी नहीं दे सकती तो वो सरकारें किस काम की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।